हेलो एवरीवन, हम लोग स्टूडेंट बात कर रहे थे 11th क्लास मैथमेटिकल टूल्स, और उस मैथमेटिकल टूल में जो पहला नंबर अपने पास में आता है स्टूडेंट, वो है डिफरेंशिएशन। अब इस डिफरेंशिएशन की ऑलमोस्ट बात हम लोग कर चुके हैं। आज हमारा ये जो सेशन है ये बहुत छोटा है, बहुत लंबा सेशन हमारा नहीं रहने वाला है, क्योंकि हम लोगों को क्लोजिंग करनी है डिफरेंशिएशन की। ऑलमोस्ट बात हम डिफरेंशिएशन की पढ़ चुके हैं, कौन कौन से रूल हम अप्लाई करते हैं, कब कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल क्या है, क्वेश्चन रूल क्या है, डी अपॉन डी एक्स का मीनिंग क्या है, कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, ऑल आर मैं आप लोगों को बता चुका हूं। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने साथ साथ आप लोगों को कराए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। ओके बच्चों, सो अभी क्या है, पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं, अभी कुछ पढ़ाया नहीं है। आज के लेक्चर में मैं आपको एक डीपीपी देने वाला हूं स्टूडेंट, डीपीपी नंबर 2, यानी डिफरेंशिएशन की सेकेंड डीपीपी होगी बच्चों। फर्स्ट डीपीपी मैं आपको दे चुका हूं और मुझे उम्मीद है कि उसमें डाउट कम ही आए होंगे। अगर एक आधा डाउट आया भी होगा तो आज की क्लास में क्लियर हो जाएगा। बाकी अब आपको सेकेंड डीपीपीज की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर पिक्चर क्लिक करने के बाद में क्वेश्चंस की आपको मेरे पास में सेंड करना है, देन आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे बच्चों। एक और बात मैं आप लोगों को याद दिला दूं, आज 6th अप्रैल है स्टूडेंट और कल 7th अप्रैल है, दो ही दिन की क्लास आपकी रिमेनिंग बची है। आफ्टर 2 डेज हम आपको अपने एप्लीकेशन के ऊपर शिफ्ट करेंगे। एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है बच्चों लाइफाई लर्निंग, या आप हमारे वेब के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारे वेब पोर्टल का नाम है स्टूडेंट app lifilearning.in। ओके बच्चों, चलिए सो आज की क्लास हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि यार हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा। डिफरेंशिएशन के अंदर बहुत सारी चीजों की बच्चों हम लोगों ने बात की, उन्हीं सभी चीजों को आज हमें क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करना है। बहुत ज्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन में हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 5। स्टूडेंट हमें ये दिया गया है, ये एक्स और ये टाइम। हमें कहा गया है कि टाइम के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। ये जो इक्वेशन आपके सामने गिवन दी गई है बच्चों, इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अरे मुझे एक बात बताओ यार, एक्स का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बनेगा, डी एक्स अपॉन डी टी। अरे भाई एक्स अलग है और x का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। यार x अलग है, टाइम अलग है, तो क्या बनेगा, dx अपॉन dt। ओके अब आते हैं हम लोग यहां पर d अपॉन dt, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है बच्चों। डिफरेंशिएशन होने के बाद में ये हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यहां पर है t स्क्वायर प्लस d अपॉन dt t प्लस d अपॉन dt 5। तो बच्चों हम लोगों ने ये सिचुएशन आपके सामने बना दी कि भाई ये सिचुएशन अपने पास में बनने वाली है। चलिए सो देखते हैं आगे। मैं अभी ये नहीं बताऊंगा कि dx upon dt का नाम क्या होता है, हालांकि dx upon dt का फिजिक्स में एक पर्टिकुलर नाम होता है, अभी बात नहीं करेंगे, आगे आगे आप सब समझ जाएंगे। अभी तो हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन करना सीखना है स्टूडेंट। सो अब आप देखिए, यहां टी स्क्वायर है और यहां ओनली टी है, यहां टी स्क्वायर है और यहां सिर्फ टी है, तो टी स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा 2t। टी स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा 2t। पावर आगे, पावर में से एक कम, हमने 2 को आगे ले लिया है और 2 में से एक कम कर दिया है, तो ये बन गया है 2t। अब यहां आते हैं बच्चों, ये क्या है टी, ये भी क्या है टी। जब t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करेंगे, भैया 20 बार मैं आप लोगों को 20 टाइम्स मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अगर यहां x है और यहां भी x है, यहां y है यहां भी y है, यहां z है यहां भी z है, यहां t है यहां भी t है, उस कंडीशन में इसका डिफरेंशिएशन रहने वाला है 1। इसका डिफरेंशिएशन स्टूडेंट रहेगा 1।
लास्ट में 5 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हम जानते हैं 0 होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो बच्चों फाइनल आंसर बन गया है dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2t प्लस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt। स्टूडेंट ये हमारी dx अपॉन dt की वैल्यू निकलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो स्टूडेंट ये कंडीशन है इस बार हमारे पास में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी टू दी पावर 3 प्लस 2t प्लस 1। बच्चों हमें ये दिया गया है, दिया गया है ना, क्या करना है हम लोगों को जरा देखते हैं। उसने हमें कहा कि dx अपॉन dt निकालो भाई। dx अपॉन dt स्टूडेंट हमें निकालना है, और निकालना है t के टर्म में। बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है यार, काफी कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा इससे। ये हम लोगों को दे रखा है, हमें dx अपॉन dt निकालना है। तो dx अपॉन dt निकालने के लिए हमने बोथ साइड, हमने दोनों तरफ स्टूडेंट ले लिया है d अपॉन dt t टू दी पावर 3, 2 को हमने बाहर रखा, d अपॉन dt t प्लस d अपॉन dt 1। अरे भैया हमें dx अपॉन dt निकालना है, अपॉन में dt है, अपॉन में dt होने का मतलब है कि टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो हमने बिल्कुल वही काम किया, हमने दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। अब कैसे करेंगे जरा समझिएगा। अब तुम एक बात बताओ भाई, यहाँ क्या है अपने पास में एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या है टी। पहले एक्स स्क्वायर के ऊपर सिंपल रूल अप्लाई करो। क्या है सिंपल रूल? सिंपल रूल ये है, एक्स की पावर 2 है, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा। एक्स की पावर 2 है तो ये बन जाएगा बच्चों 2x, पावर आगे, पावर में से एक कम। अब आप मुझे एक बात बताएं, यहां क्या है एक्स और यहां क्या है टी। अगर मैं एक्स का दोबारा से करूंगा तो ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। क्यों किया मैंने दोबारा से? मैं पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम लोग बहुत डिटेल्ड में ये बात डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। यदि यहां एक्स है और यहां टाइम है, बोथ आर डिफरेंट, दोनों के दोनों डिफरेंट है, इसीलिए पीछे लगा दिया हमने डी एक्स अपॉन डी टी। उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आई होगी सभी लोगों को। इसका हमने सिंपल डिफरेंशिएशन किया, पावर आगे, पावर में से एक कम। ये x है, ये t है, दोनों डिफरेंट है, तो बच्चों हम लोगों ने लिख दिया dx अपॉन dt। उसके बाद देखिए यहां क्या है बच्चों, t टू दी पावर 3 और यहां भी t। यहां वो dx अपॉन dt वाली टेंशन नहीं होगी, ना dx अपॉन dt वाली प्रॉब्लम होगी, आराम से कर पाएंगे यार। यहां भी t है, यहां भी t है, तो t की पावर 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 3t स्क्वायर, पावर आगे, पावर में से एक कम। ओके अब यहां आते हैं 2, 2 बाहर है, ये t, ये भी t, t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, 1, 1 का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, बच्चों 1 होता है कांस्टेंट, ये हो गया 0। सो 2x dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2x। ये बच्चों आंसर बन गया, लेकिन मैं इसे आंसर नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि मैंने आंसर निकालना था टी के टर्म में। फाइनल आंसर जो मुझे निकालना था ना स्टूडेंट, वो टी के टर्म में निकालना था। लेकिन आप ये देखिए कि यहां अपॉन में क्या आ रहा है, यहां अपॉन में आ रहा है एक्स। तो कुछ भी करके मुझे इस एक्स को एलिमिनेट करना है। देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में ये है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू आएगी बच्चों टी टू दी पावर 3 प्लस 2t प्लस 1। मैंने इधर से स्क्वायर हटाया, इधर अंडर रूट लगा दिया, ये एक्स की वैल्यू आ गई। यहां से उठाकर यहां पुट करेंगे, 3t स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट टी टू दी पावर 3 प्लस 2t प्लस 1। लो स्टूडेंट ये हमारा dx अपॉन dt निकल गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। मुश्किल काम नहीं है, कर सकते हैं आराम से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल को हमने अप्लाई किया है, और हर क्वेश्चन में हमने इस बात का ध्यान रखा है कि हम लोगों से पूछा क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि हमसे पूछा है dx अपॉन dt, तो इसे देखते ही मुझे पता चल जाएगा यार अपॉन में t है ना, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है t के रेस्पेक्ट में। अगर मुझसे पूछा है ये dy अपॉन dx,
अपॉन में x है, मुझे पता चल जाएगा कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। मुझसे पूछा है dx अपॉन dz, dx अपॉन dz। अब dz का मतलब क्या है कि मुझे z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, ये दो एग्जाम्पल हमारे पास में हो गए, अच्छे एग्जाम्पल हैं, आप लोग इन दोनों को अच्छे से समझें बच्चों, ठीक है। चलो अभी हम लोग बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं कि प्रॉब्लम नंबर थ्री क्या है बच्चों अपने पास में। प्रॉब्लम नंबर थ्री, वाई टू दी पावर थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बच्चों ये दे रखा है अपने पास में स्टूडेंट, ये हमें दे रखा है, हमसे पूछा क्या है आप ये देखिए, हमसे पूछा है फाइंड डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है, ये नया तरीका है लिखने का, ये समझ लीजिए आप। हमसे पूछा है डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, कौन बताएगा आप लोगों में से मुझे कि जितने भी लोग लेक्चर देख रहे हैं कि डी वाई अपॉन डी टी का मतलब क्या है। डी वाई अपॉन डी टी का स्टूडेंट मतलब है कि वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अपॉन में टाइम है या नहीं है, बिल्कुल अपॉन में टाइम है, और बच्चों अपॉन में टाइम होने का मतलब यह है कि आपको टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है। तो बच्चों हम लोगों ने बिल्कुल वैसा ही किया, हमने दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, डी अपॉन डी टी एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी टी एक्स। अब बहुत बखूबी आप इस बात को अच्छे से जान गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ये एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है और इसका मतलब है कि टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। हमें कैसे पता चला टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि यहां अपॉन में टाइम दे रखा है। चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन, वाई टू दी पावर थ्री है बच्चों, जब वाई टू दी पावर थ्री का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, यह बन जाएगा थ्री वाई स्क्वायर, y टू दी पावर थ्री है ना स्टूडेंट, तो हमने पावर को आगे ले लिया है और पावर में से एक कम कर दिया है। अब ये y है और ये t है, जब y का दोबारा से डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो ये बन जाएगा dy वाई अपॉन डी टी। जानते हो ना y का दोबारा से क्यों किया है हम लोगों ने, क्योंकि ये y है ये t है, बहुत आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग हैं, तो दोबारा से होगा तो ये बनेगा dy वाई अपॉन डी टी। अब यहां आइए, पहले आप इसके ऊपर सिंपल रूल अप्लाई करिए, x की पावर 2 है, सिंपल रूल अप्लाई करेंगे 2x, ये x है और ये टाइम है, तो बच्चों ये बन जाएगा dx अपॉन dt प्लस ये x है ये t है, यहां तो कुछ है ही नहीं यार, सिंपल x सिंपल t, तो ये बन गया dx अपॉन dt। तो बच्चों ये कंडीशन अपने पास में बनने वाली है, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम अपने पास में बनेगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी, ये हम लोगों का आंसर बन जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि आप देखिए कि एक और एग्जांपल आप लोगों से पूछा गया, नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट y इज इक्वल टू x टू द पावर 3 प्लस साइन x प्लस कॉस x। ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, मैं बहुत बेसिक लेवल पर बात कर रहा हूँ बच्चों, मैं ऐसे लेवल पर बात कर रहा हूँ कि जो 5 या 6 लेक्चर जो मैंने अभी तक आप लोगों के लिए हैं, अगर इन लेक्चर्स को आप अच्छे तरीके से देख लें तो आपको आइडिया हो जाए कि डिफरेंशिएशन करना क्या है। और यकीन मानिए कि अगर डिफरेंशिएशन एक बार आप सीख गए ना, तो आप ये समझिए कि आधी फिजिक्स के ऊपर आपकी कमांड बन चुकी है, फिर आधी फिजिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैथमेटिकल टूल अपने अपने अंदर पूरी फिजिक्स को समाये हुए हैं, लेकिन हमसे यार मैथमेटिकल टूल आना चाहिए, तभी फिजिक्स को पढ़ने का मजा है और तभी फिजिक्स हमें समझ में आएगी जैसा हम लोग उसे समझना चाहते हैं, ठीक है। रट तो कोई भी लेगा यार, डेरिवेशन याद कोई भी कर लेगा, 4 फॉर्मूले कोई भी याद कर लेगा, जरूरी है सब्जेक्ट को समझना, उसे विजुलाइज करना, उसे फील करना, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप लोगों के पास में वेपन हो उस चीज को समझने के लिए, और ये मैथमेटिकल टूल उसी वेपन का काम करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है अपने पास में, ये प्रॉब्लम आपको ये दे रखी है, हमें निकालना है बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है अपॉन में डी एक्स। सो डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में,
स्टूडेंट हमें डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। अब देखो, जब एक्स के रेस्पेक्ट में अपन लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3, इधर आएगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, इधर आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। मैंने दोनों तरफ बच्चों d अपॉन डी एक्स से डिफरेंशिएशन कर दिया, बोथ साइड दोनों तरफ मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया d अपॉन डी एक्स से। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में बन चुका है बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आप देखो यहां क्या है, x की पावर 3, स्टूडेंट यहां पर है x टू दी पावर 3 और यहां है x, दोनों सेम है तो सिंपल डिफरेंशिएशन कर दो, पावर आगे पावर में से एक कम, 3x स्क्वायर हो गया। साइन x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में माइनस के साइन x। अब ये मैं नहीं बताऊंगा कहां से आया, क्योंकि कल की क्लास में मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं और वो सारी चीजें याद करने वाली है, फैक्चुअल डेटा है, आपको याद ही करना पड़ेगा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, कहां से आया, कहीं आप लोग ट्वेल्थ क्लास के अंदर डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स में एक चैप्टर आएगा वहां समझेंगे, यहां हमें सिर्फ रिजल्ट की जरूरत है और रिजल्ट पर ही हम लोगों को फोकस करना है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो बच्चों ये हमारे पास में रिजल्ट आ गया है, कुछ इस तरीके से हमारा आंसर बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स का। ठीक है, चार प्रॉब्लम्स अपने पास में हो गई है कि भाई कैसे हम लोगों ने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट कंडीशन क्या है। एग्जाम्पल नंबर 5, देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 स्टूडेंट क्या है अपने पास में, हमारे पास में एक इक्वेशन लिखी हुई है 2x plus 3y minus के 3 is equal to 0, एक सिंपल इक्वेशन हमारे सामने लिखी हुई है। हमसे पूछा है बच्चों, आप समझिएगा, हमसे पूछा है कि बताइए dy upon dx कितना होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy upon dx, हमसे ये पूछा है। मैं अभी आपको ये नहीं बताऊंगा कि dy upon dx का नाम क्या होता है, अभी सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, इक्वेशन दे रखी है, dy upon dx पूछा है। तो बच्चों हम एक काम करते हैं, हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन ले लेते हैं, देखो कैसे, 2 को बाहर रखा, d upon dx x, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, इसीलिए d upon dx प्लस 5 d upon dx अंदर आ जाएगा y, ये माइनस 3 चला जाएगा इक्वल टू से उधर और ये बन जाएगा डी अपॉन डी एक्स 3, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स बताइए कितना है। अब जैसे ही उसने हमसे क्वेश्चन पूछा ना कि डी वाई अपॉन डी एक्स बताइए कितना है, हम तुरंत समझ गए एकदम से कि भाई इसका मतलब उसने हमसे पूछा है कि एक्स के रेस्पेक्ट में पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन आप कर दीजिए। हम एकदम से समझ गए कि उसने हमसे ये पूछा है कि x के रेस्पेक्ट में आप पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और हमने वैसा ही किया, हमने x के रेस्पेक्ट में पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दिया। देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, 2 x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 प्लस 5, ये y है ये x है, देखो दोनों के दोनों डिफरेंट है, तो ये बन जाएगा बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स, 3 का डिफरेंशिएशन 0, सो स्टूडेंट ये बना 5 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, 2 उधर पहुंच गया है, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन 5। और स्टूडेंट आप इस बात को अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, अगर x और y कार्टीजन प्लेन की बात होती है तो डी वाई अपॉन डी एक्स का स्टूडेंट दूसरा नाम होता है स्लोप, क्या नाम होता है, स्लोप। अब आप मेरी बात को दोबारा से गौर से सुनिए, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए अपने पास में क्या आया, 2x माइनस के 5y प्लस के 7 इज इक्वल टू 0, आपको ये इक्वेशन दे रखी है, ये सिंपल एक इक्वेशन दे रखी है, आपसे पूछा है कि स्लोप बताइए कितना है,
अभी मैं बात करूंगा स्लोप क्या होता है, अभी आप उस पर गौर ना करें। जो मैं सिखा रहा हूं ना डिफरेंशिएशन, जो मैं आपको सिखा रहा हूं उस पर आप अच्छे से फोकस करें बच्चों। ये हमारे पास में कंडीशन बनी 2x माइनस के 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हमसे पूछा है कि स्लोप बताइए कितना होगा। अब जैसे ही उसने पूछा कि भाई स्लोप बताओ, हमने कहा यार इक्वेशन में एक्स भी है और वाई भी है और उसने हमसे स्लोप पूछा है, तो हम तुरंत एकदम से समझ गए कि इसका मतलब यह है कि उसने हमसे dy अपॉन dx पूछा है। अगर इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई के टर्म आपको दे रखे हैं, वेरिएबल्स आपको दे रखे हैं, तो स्लोप का सीधा सा मतलब बच्चों dy अपॉन dx से है। स्लोप का जो सीधा सा मतलब है वो dy अपॉन dx से है। चलिए तो हम निकालते हैं dy अपॉन dx, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में। 2d अपॉन dx साथ में है x, माइनस के 5d अपॉन dx y प्लस d अपॉन dx 7 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को बीच में रोककर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है स्टूडेंट, 6th लेक्चर है क्योंकि आज 6 अप्रैल है, नहीं लेक्चर नंबर 7 है स्टूडेंट हमारा ये। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा बच्चों कि आप बीच में से लेक्चर्स को मत देखें बिल्कुल भी। यदि आप डिफरेंशिएशन फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी या मैथमेटिक्स को समझना चाहते हैं तो फर्स्ट लेक्चर से आप सभी चीज़ों को देख कर लाएं। अगर पहले लेक्चर से आप सभी चीज़ों को देख कर लाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। अगर आप बीच में से लेक्चर देखेंगे फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है क्लास को ज्वाइन करने का। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध यह है कि आप सभी लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एक प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप लेक्चर्स को देखें, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों को क्या पढ़ाया जा रहा है और उसके अंदर कौन कौन से हम लोगों ने तरीके इस्तेमाल किए हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, क्या क्या हमने आपको पहले ही बताया है, डिफरेंशिएशन होता क्या है, क्या उसके अंदर रूल्स हैं, आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाएंगी। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कि इक्वेशन हमें दे रखी थी, डिफरेंशिएशन हम लोगों से पूछा था, सो 2 एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1, माइनस 5 वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स, 7 का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू 0, सो 2 इज इक्वल टू 5 डी वाई अपॉन डी एक्स, सो स्टूडेंट dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 और यही हमारी स्लोप की वैल्यू होगी बच्चों, यही हमारी स्लोप की वैल्यू होनी है। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान से समझनी है, यही हमारी स्लोप की वैल्यू है। कुछ इस तरीके से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो सबसे पहले तो जो मैंने रूल्स आपको बताए हैं ना कि पावर आगे आ जाएगी, पावर में से कम हो जाएगा, यदि यहाँ अलग है यहाँ अलग है तो dy अपॉन dx बन जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, प्रोडक्ट रूल क्या है, क्वोशेंट रूल क्या है, तो स्टूडेंट ये आपकी 6 प्रॉब्लम हो गई है डिफरेंशिएशन को लेकर। हमने डिफरेंशिएशन की सभी बातें आप लोगों को बता दी हैं। एक 7th लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसके बाद में मेरी तरफ से डिफरेंशिएशन का काम खत्म हो जाएगा। एक डीपीपी डिस्क्रिप्शन की लिंक में मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, आज की वीडियो में एक और डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप लोगों को मिलेगी। कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन हो जाएंगे डिफरेंशिएशन पर और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 20 क्वेश्चनों को अगर आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे फिर आप लोगों को डिफरेंशिएशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं, अभी एक क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है मैं अभी आप लोगों को बताता हूं, दूसरा इस क्वेश्चन के बाद में काम खत्म हो जाएगा, आपके पास में दोनों डीपीपी पहुंच जाएंगी, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है उसके बेसिस पर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करें। जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, जो आप नहीं कर पाते हैं आप व्हाट्सएप के जरिए या कमेंट्स के जरिए आप मेरे पास में भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट चल रहा है, और नेक्स्ट यानी कल की क्लास में हम दोनों डीपीपीज की जो मुश्किल प्रॉब्लम्स होंगी, जो थोड़ा सा टिपिकल होगी जिन्हें आप लोग नहीं कर पाएंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर स्टूडेंट हम लोग पढ़ जाएंगे जिसका नाम है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें। देखिए बच्चों लास्ट प्रॉब्लम क्या है अपने पास में,
लास्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट ये है, y इज इक्वल टू x टू द पावर 3 प्लस sin x प्लस tan x प्लस log x। स्टूडेंट ये है हमारे पास में लास्ट प्रॉब्लम। बड़ी इजी है, बहुत इजी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। डीबीपीस को आप सॉल्व करेंगे ना, डीबीपीस के अंदर कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हम लोगों को मिलेंगे, जब उनका सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों के अंदर राइज होगा और बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता चलेगी। बच्चों यहां हम लोगों से पूछा गया है कि dy / dx बताइए कितना होगा। तो स्टूडेंट हम लोगों ने एक काम किया, हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। देखो y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy / dx, ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy / dx, y का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में dy / dt, ठीक है, ओके। x की पावर 3 को हम डिफरेंशिएट करेंगे 3x2, पावर आगे पावर में से एक काम। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, tan x का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट sec square x, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ये सारी बातें बच्चों आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, जरूरत पड़ने वाली है। देखो इसके डिफरेंशिएशन पे तो हम सिंपल रूल अप्लाई करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। पावर आगे आनी है और पावर में से एक कम होना है स्टूडेंट। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों हो जाएगा अपने पास में कॉस एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट अपने पास में होगा sec square x, log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x। अब जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया कि आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी जिसमें डीपीपी मिलेगी, इस टॉपिक के ऊपर आपके पास में 2 डीपीपी हो जाएगी। जितना मैंने आपको पढ़ाया है पहले सभी लेक्चर्स को आप ध्यान से देखें, जो न्यू स्टूडेंट है वो भी देखें, पुराने स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है तो रिवाइंड करके दोबारा से देखें, डीपीपीज के क्वेश्चंस को आप लगाएं, कहीं डाउट आता है तो मेरे पास में कमेंट्स करें या व्हाट्सएप के ऊपर आप मेरे पास में भेज सकते हैं। और कल की क्लास में उन्हीं 2 डीपीपी की कुछ चुनिंदा प्रॉब्लम्स, जो अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, जहां मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती हैं, उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएशन कंप्लीट, नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे, ओके स्टूडेंट। एक बात मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं कि आज 6 अप्रैल है, 7 अप्रैल यानी कल की क्लास आप लोगों की लास्ट क्लास होगी स्टूडेंट। कल की 7 अप्रैल तक आप लोगों की कुल मिलाकर क्लास चलनी है, तो 7 अप्रैल के बाद में आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी आप लोगों की क्लास प्रोसीड होगी बच्चों, ओके।